नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मजदूर परिवारों को भी वासुदेव कुटुंबकम के भाव से अन्न, नए वस्त्र, नए बर्तन, मिठाइयां व ढेरों जीवन उपयोगी वस्तुएं वितरित करते हैं। भोपाल दीपावली के पावन पर्व की सनातन संस्कृति में खूब महिमा है। इस पर्व के साथ अन्य पर्व भी जुड़े हैं, जिनमें धनतेरस, काली चौदस, नूतन वर्ष एवं भाई दूज इन पर्वों के पुंज को सनातनी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से पिछले 40 वर्षों से देश विदेश के सैकड़ों आश्रम व हजारों समितियां असहाय गरीब आदिवासी मजदूर परिवारों को भी वासुदेव कुटुंबकम के भाव से अन्न, नए वस्त्र, नए बर्तन, मिठाई व ढेरों जीवन उपयोगी वस्तुएं वितरित करते हैं। इसी श्रृंखला में श्री योग वेदांत सेवा समिति भोपाल द्वारा गांधीनगर स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में हजारों मजदूर परिवारों, वृद्धजनों व बच्चों में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सर्दी से बचने के लिए कंबल, धनतेरस के लिए नए बर्तन, साड़ियां, खजूर, शक्कर, तेल, आटा, दाल, टब, चप्पल, दीपक व अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं के साथ साथ दक्षिणा भी दी गई। इस अवसर पर श्री योग वेदांत सेवा समिति के प्रभारी ओम प्रकाश कृपलानी, राजू गजवानी, जय किशन जी, मोहन गुप्ता जी, अशोक मालवीय, वासुदेव नारियानी, रितेश राजदेव, राजकुमार निहलानी, उमेश थरानी, देवेश टोंग, आशीष सोनी एवं महिला समिति से जया बहन, राधा बादबानी, दया तीर्थानी, नीतू हसानी व युवा सेवा संघ भोपाल व महिला उत्थान मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसी कार्यक्रम के माध्यम से सभी को व्यसनों से होने वाली भयंकर बीमारियों की जानकारी दी गई व सभी को व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प दिलाया गया। सभी से शुद्धता व पवित्रता से इस पर्व को मनाने का वचन दिया। समिति के मीडिया प्रभारी श्री हरीश मेहर चंदानी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम गरीब बस्तियों में भी जागर किए जाते हैं, जिसमें हजारों गरीब परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।